हेलो फ्रेंड, नमस्ते, वेलकम बैक टू रेडी विद रेखा। कैसे हैं आप लोग? और आज की भी वीडियो है का जो ब्लॉग है वो है मेरा ससुराल का मेकअप, कि मैं यहाँ आकर किस तरह का मेकअप करती हूँ, क्योंकि आपने देखा है मैं दिल्ली में जब रह रही थी तो मैं वहाँ किस तरह से मेकअप करती थी, वहाँ का किस तरह का मेकअप होता था। लेकिन यहाँ आके थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत लाइट मेकअप थोड़ा जिस तरह का होता है वो यहाँ नहीं चलता। यहाँ इसलिए नहीं चलता क्योंकि अगर ऐसे ही करती हूँ तो फिर रिठानी भी टोकती हैं, सांस भी टोकती है, वो कहती है कि कैसी छोटी सी बिंदी लगा रखी है, कैसी हल्की सी लिपस्टिक लगा रखी है, ये इस तरह से तैयार नहीं होना चाहिए तुम्हें, शादीशुदा हो इस तरह से तैयार होना चाहिए, तो थोड़ा अलग हो जाता है। तो बस वही तैयारी कर रहे हैं हम। अगर कॉफ़ी कलर लगाते हैं, चॉकलेटी कलर लगाते हैं, तो वो कहते हैं ऐसी कौन सी लिपस्टिक लगाते हैं, तो रेड लगानी चाहिए, मैरून लगानी चाहिए, डार्क कलर लगानी चाहिए, पिंक लगाना चाहिए, तो बस वही है। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले फिर से कहना चाहूँगी, जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट ज़रूर करें कि ब्लॉग कैसे लगते हैं। और इस समय जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूँ उत्तर प्रदेश अपने ससुराल में, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे फंक्शन अटेंड किए हैं मैंने इस बार, जो मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं किए थे, जो सच है, बिल्कुल सच है कि मैंने बहुत सारी शादी की ऐसी रस्में देखी हैं जो पहले नहीं देखी थी कभी। तो मैं बहुत खुश थी उन सारी रस्मों को निभा के, उन सारी रस्मों का हिस्सा बन के। तो मुझे आप लोग बताइए कमेंट में, ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को ये नहीं पता था कि शादी में चूल्हा और ये चाकी बनती है, गांव के बाहर जाकर मिट्टी लेकर आते हैं, और जो एक था जौ बोने की रस्म थी, कितने लोगों को पता है कि जौ बोए जाते हैं और उसका क्या मतलब है? अगर किसी को पता है कि इसका क्या मतलब है तो मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट में इसका ये मतलब होता है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। तो बस यही मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे बताइए कि वीडियोस कैसी लगती हैं। और वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी है इसलिए मैंने थोड़ी सी इसकी स्पीड तेज़ कर दी है। और यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की है, मैंने यहाँ पर लिपस्टिक जो यूज़ किया है वो है ग्लैमर ब्यूटी लिपस्टिक मैट परफेक्ट वेवलेव स्टे लॉन्ग। तो मतलब ये जो है लिक्विड लिपस्टिक है, लेकिन है मैट की, पूरा टमाटरी रेड है, मैट की है। इसी को मैंने सिंदूर के लिए भी यूज़ किया है। उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाने के बाद यूज़ किया है हिमालय का लिप बाम, जो मुझे खास पसंद है लिपस्टिक लगाने के बाद, क्योंकि लिपस्टिक जो है फिर बहुत ज़्यादा देर तक स्टे रहती है, लगी रहती है, चाहे खाना खाओ पानी पियो। अगर आप लोग लिपस्टिक लगाते हो तो या तो लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बाम लगाइए, या लिपस्टिक लगाने के बाद लिप बाम लगाइए तो वो अच्छा रहेगा, लिपस्टिक जो है बहुत ज़्यादा देर तक स्टे रहेगी। उसके बाद जो मैंने आँखों के लिए काजल यूज़ किया है वो है अर्बन कलर इंस्टेंट स्टे 10 आवर्स कलर, मतलब ये 10 घंटे तक लगा रह सकता है। और ये वो है जो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, मोदी केयर से मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे ब्यूटी के, तो मैं वो भी लगा दूँगी एंड स्क्रीन में, आपने देख लेना कि ये जो काजल है वो मैंने मोदी केयर से मंगवाया था, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने आईब्रो पेंसिल यूज़ की है, ये है हमारी मीडियम ब्राउन EB03, ये भी बहुत अच्छी है, इसको लगाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई हमने डार्क कलर यूज़ किया या लाइट कलर यूज़ किया, बिल्कुल ही नेचुरल कलर है इसका। और जो मैंने क्रीम यूज़ की थी वो थी फ्रूट क्रीम, नॉर्मल क्रीम थी, कोई कंसीलर कोई फाउंडेशन नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने वो यूज़ नहीं किया। और जो बिंदी यूज़ की थी वो है ब्राइडल चॉइस, इसमें सभी तरह की बिंदियाँ थी, गोल, तिलक वाली और स्टोन वर्क, तो इस तरह से मैंने यूज़ की है। ये 5-6 चीज़ें यूज़ की हैं। उसके बाद मैंने यूज़ किया है लास्ट में अल्ता, ये सबसे मेन है और सबसे ज़्यादा अहम है आज की वीडियो के लिए, क्योंकि ये मैं बहुत कम लगाती हूँ। जो मैंने आज लगाया है ये है अल्ता, इसे हम अल्ता भी कहते हैं, बंगाली में इसे अल्ता कहते हैं और जो है हमारे उत्तर प्रदेश में इसे महावर कहते हैं, तो ये महावर है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लगाने में, जो सुहागने होती हैं उनके लिए मेहंदी लगाना और अल्ता लगाने में बहुत बड़ा फ़र्क है। अल्ता जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे रीति रिवाज में, और इसे कुंवारी लड़कियाँ बिल्कुल नहीं लगाती, इसे शादीशुदा ही लगाती हैं। तो देखिए कैसा लग रहा है मुझे बताइए, और कौन कौन अल्ता यूज़ करता है ये भी बताइए मुझे। और यहाँ बालों के लिए मैंने एक पफ बनाया है, क्योंकि पफ मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन मैंने पफ यहाँ इसलिए बनाया क्योंकि सर पे पल्ला रखना है। अगर पफ बना हो तो बहुत अच्छा ग्रेस आता है, बहुत अच्छा लुक आता है जब आप सर पे पल्ला रखते हैं। तो जो लोग भी ससुराल में होते हैं तो आप पफ बनाइए, पफ बना के जब आप पल्ला रखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो मैं भी वही पफ बनाया है, मैंने 5 जो है पिन यूज़ किए हैं बालों वाली,
जिसमें टिकटॉक वाली पिन भी है और सिंपल पिन भी है, तो इस तरह से मैंने फिर पफ बनाया और उसके बाद बहुत ही ऑसम लुक आया। और ये बीच में छोटी सी क्लिप आ गई है मेरी ट्राईबोर्ड की, तो देख लीजिए कैसा ट्राईबोर्ड है मेरा। और अलता भी लग चुका है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद फाइनल लुक ये है मेरा कि मैं कैसी लग रही हूँ देख लीजिए, हो गई रेडी बिल्कुल। चलिए बाय बाय, वीडियो बहुत लंबा हो गया था।